इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, अभी मैं अपना एक बहुत ऐसा अनुभव आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब मैं बाबा को जानती ही नहीं थी, मतलब ये उस टाइम की बात है जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरे एक्चुअली 3 बेटे हैं, एक मेरा 7 साल का बेटा है और उसके बाद मेरे ट्विंस हो गए थे, अब तो खैर बड़े हो गए हैं। तो ये उस टाइम की बात है कि जब मैं जॉब भी कर रही थी, बच्चे छोटे थे, बहुत ही स्ट्रगल था ज़िंदगी में। मतलब मैं जॉब कर रही थी, हस्बैंड भी जॉब कर रहे थे और बस गाड़ी खींच रही थी हमारी। तो एक हमारे कॉलोनी के पास ही एक दरगाह थी, वहाँ हर थर्सडे बहुत भीड़ रहती थी। तो एक दिन मैं वहाँ गई तो वहाँ मुझे साईं बाबा की बहुत बड़ी फ़ोटो थी, तो हर थर्सडे वहाँ लोग चुन्नी चढ़ाते थे, फूल माला चढ़ाते थे, तो मैं भी बाबा को नमस्कार। मैं जानती थी साईं बाबा, तब तक मैं लोधी रोड मंदिर नहीं आई थी, शिरडी नहीं गई थी, ये बस जो शुरू का दौर था जब बाबा ने अपना बनाना स्टार्ट किया था, ये तब की बात बता रही हूँ। तब बाबा को नमस्कार किया और बाबा से प्रे करके मैं आ गई। और वक्त ऐसा था उस वक्त कि बहुत परेशान थी मैं, जॉइंट फैमिली में थी, सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो एक थर्सडे मैंने तय किया कि मैं, मेरे हस्बैंड और तीनों बच्चों को लेके बाबा की उस दरगाह पे जाके और मत्था टेक के आना है। बहुत परेशान थे तो हमारे पास एक बहुत पुराना स्कूटर था, तो उस स्कूटर पे तीनों बच्चों को लेके हम चल दिए कि वहाँ जाना। अब जब दरगाह से पहले ही कुछ 15-20 मिनट पहले का रास्ता बच रहा था कि स्कूटर हो गया ख़राब और हम हो गए परेशान की बस। पर मैंने तो ठान रखा था कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए आज आपके दर्शन ज़रूर करूंगी, मैंने आना ज़रूर है आपके पास। तो भाई स्कूटर को धक्का दे के तीनों बच्चों के साथ जैसे मर्जी हम दरगाह पहुंचे, वहां बाबा के साथ पूरे परिवार ने दर्शन किए, प्रे किया और बस अब क्या मांगे क्या बोले, बस बाबा के मत्था टेके और बाबा को बस बोला कि बस आप जानो अब। और फिर वापसी में अचानक स्कूटर चल गया और हम घर पहुँच गए। अब ये थर्सडे का दिन था, अब आप मानिए कि इस थर्सडे और अगले थर्सडे के बीच बाबा ने क्या किया कि भाई जब मैं जॉब करती थी तो मैं थोड़ी बहुत सेविंग भी, देखिए औरतों का वो होता है कि थोड़ी बहुत हमें सेविंग करनी होती है, तो जब भी मेरे ना 10,000 रुपये जुड़ जाते थे मैं अपनी मदर को दे देती थी और कहती थी पोस्ट ऑफिस में ना डबल होने के लिए फिक्स कर दो। तो ऐसे मेरे काफ़ी सारे जब भी जुड़ जाते थे मैं अपनी मदर को दे देती थी। अब बाबा ने मेरी मम्मा को क्या दिमाग में डाला कि मेरी मदर अचानक से 2-3 दिन बाद ही कहती हैं कि अब तो गाड़ी ले ले, अब बहुत हो चुका, 3-3 बच्चे हैं, परेशान रहती है, अब कभी बच्चे बीमार हो रहे तो स्कूटर पे लेके जा रहे हैं, ठंडी हवा लग रही है, घर आते फिर और बीमार हो जाते थे बच्चे, परेशान हो गए। तो फिर मेरी मदर ने कहा ऐसे करते जितने भी तेरी FD है जो मैंने पोस्ट ऑफिस में कराई, अभी उसका 5.5 साल डबल होने का लगता था तब, तो फिर मेरी मदर ने कहा मैं 1,00,000 रुपए की, मतलब वो 50,000 की FD ले लेती हूँ और तुझे मैं 1,00,000 रुपए दे देती हूँ, डबल का अमाउंट दे देती हूँ और मेरे साथ चल और गाड़ी फाइनेंस करा लेते हैं और एक बढ़िया सी गाड़ी ले ले, अब मेरे से और देखा नहीं जाता। तो बस अगले दिन ऐसी बाबा की कृपा हुई कि मैंने भी सोचा कि हाँ अब तो टाइम आ गया कि गाड़ी, और मेरी मदर हेल्प कर रही हैं, तो हम भाई गाड़ी के मारुति के शोरूम में पहुँच गए। तब ऑल्टो गाड़ी होती थी तो हमने, आप सोचिए कि ऑल्टो गाड़ी फाइनेंस करा दी, 1,00,000 रुपए की डाउन पेमेंट दे दी, बाकी 3,000 महीने के किस्त पे, मतलब मैंने कहा कि अपनी सैलरी से अपने आप डिडक्ट होते रहेंगे 5 साल की EMI करा के, और नई गाड़ी और 2-3 दिन के अंदर गाड़ी घर पे पहुंच गई। अब आप सोचिए कि ना मेरे दिमाग में दूर दूर, क्योंकि पैसे नहीं थे, कहाँ से गाड़ी आएगी, और देखिए कि 3-4 दिन में गाड़ी घर के नीचे नई गाड़ी खड़ी हो गई और अगले थर्सडे मैं अपने बच्चों को, हस्बैंड को, पूरा परिवार हमारा गाड़ी में गया। कहाँ स्कूटर में, सेकेंड हैंड स्कूटर में, वो ख़राब होता रहता था, इतना हम परेशान रहते थे बच्चों के साथ, और कहाँ एक थर्सडे, पहला थर्सडे जो परिवार के साथ गई थी तो बाबा ने देखिए फिर भी मेरी परीक्षा ली कि तो आएगी नहीं आएगी, स्कूटर ख़राब कर दिया, फिर भी हम धक्का मार के स्कूटर के पहुँचे पर बाबा के दर्शन किए, और अगले थर्सडे हम सब, मेरा पूरा परिवार बाबा के दर्शन वही दरगाह पे, बाबा की फोटो को थैंक यू बोलने गया अपनी गाड़ी में। आप बोलिए कितनी बड़ी बात है कि एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, अभी तो मुझे लोधी रोड मंदिर नहीं पता, शिरडी नहीं पता, मैं बाबा के बारे में कुछ नहीं जानती, ना साईं सच्चरिता, मैं बस जानती हूँ कि ये साईं बाबा हैं और मतलब ये एक सिद्ध पुरुष है और बस ये भगवान के बराबर है, इनका, इनको अगर हम नतमस्तक होएंगे तो ये हमेशा भला करेंगे। और आप देखिए कि अगले हफ्ते
मेरे यहाँ गाड़ी आ गई, मतलब इतना शॉकिंग है, अभी भी मैं सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे बाबा करते हैं। फिर इसके आगे आप सुनिए कि अब ये ऐसा दौर था कि अब टाइम आ गया था कि बाबा ने सोचा कि इसको अपना घर देना है। देखिए मैं जॉइंट फैमिली में 7 साल से थी, तो अब भाई 7 साल से ऐसा था कि मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी और मेरी मदर का ना बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में। तो मेरी मदर हमेशा कहती थी कि बेटा जब तेरे देवर की शादी होगी ना, देखो जॉइंट फैमिली में ये लोग रहने नहीं देंगे, तब तेरे को परेशानी आएगी। अब हुआ वैसे ही, जब मेरे देवर की शादी हो गई तो बहुत पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई घर में। इनका मन था कि अब इसके 3 बच्चे हैं, हम क्यों देखें, जॉब करना मेरी मजबूरी थी, तो मतलब ये था कि मुझे निकलना पड़ेगा। जब मेरे देवर की शादी पकी हुई थी, मेरे मदर ने जिस कॉलोनी में वो रहती हैं, उन्होंने 2 BHK का फ्लैट मेरे लिए खरीद के रख लिया कि बेटा जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी इस फ्लैट में आके रह लेना। अब आप सोचो कि ऐसा चला घर में ही कि मुझे छोड़ना ही पड़ा घर, क्योंकि मैं उससे जॉब हो ही नहीं पा रही थी। इतना स्ट्रेस होता था कि बच्चों को सही रख रहे हैं पीछे से नहीं रख रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत टेंशन वाला माहौल था। फिर फाइनली जून में हमने कहा कि अच्छा हम निकल रहे हैं यहाँ से, पर कुछ कोई नहीं जानता कि पीछे ने बाबा ने मेरे लिए क्या तैयार रखा था। किसी को नहीं पता कि अरे ये तो अपने घर पहुंच जाएगी। और जब मैंने वो घर छोड़ा तो इधर मेरे लिए एक मतलब 4 महीने मैं किराए पे रही, क्योंकि उस घर का पूरा वुडवर्क कराना था, काम कराना था। मेरे डैडी शिप पे है, मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है, तो वो सेल कर रहे थे। वो आ गए अक्टूबर में और 16 अक्टूबर 2005 में बाबा ने मुझे अपने घर पहुंचाया, जब मेरे ट्विंस जो छोटे बच्चे थे वो सिर्फ 1 साल के थे। आज वो 19 साल के हैं। 18 साल मैं अपने घर में आराम से हूँ। और आप सोचिए, हर औरत का सपना होता है कि अपना घर हो, और बाबा ने कैसे मुझे घर दे दिया। जो घर तब 22 लाख का था आज करोड़ों में है। आप सोचो मतलब इतनी बड़ी कृपा। अभी तो मैंने अभी शिरडी भी नहीं पहुंची हूँ, मैं अभी शिरडी नहीं पहुंची, अभी शायद इस टाइम तक मैं आ गई थी साईं बाबा लोधी रोड मंदिर में। पर आप सोचिए, अभी मैं कुछ नहीं जानती कि बाबा की समाधि मंदिर क्या है, कुछ भी नहीं। पर उससे पहले ही गाड़ी घर बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। अब आप बताइए, मतलब तब से, और इतना प्यारा घर है, इतना प्यारा घर है, इतनी अच्छी लोकेशन है, सामने जैन मंदिर, हरे हरे पेड़, और इतना अच्छा सुंदर घर दिया बाबा ने मुझे। मैं जब भी घर देखती हूँ ना, मेरे ऐसे आंसू निकलते हैं कि बाबा ये आपने क्या कर दिया, मैं तो कहाँ, मेरी काबिलियत नहीं, और आपने क्या मुझे दे दिया है। और बस बस ऐसे ही। इसलिए फ्रेंड्स, ये मत सोचो कि कुछ भी इम्पॉसिबल है बाबा के लिए, बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप बस फेथ रखिए, बाबा के तरीके बहुत निराले हैं। बस अपना ना नियत साफ रखिए, दिल साफ रखिए, और बाबा का नाम लेते जाइए, आपका बहुत भला होगा। आपको पता भी नहीं कि आपकी कितनी खुशकिस्मती है कि आपको बाबा का दर मिला, बाबा का नाम मिला, बाबा की श्री चरण मिले, शिरडी मिला। मतलब आपको मैंने बताया कि मेरे बेटे को कैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना दिया, सब बाबा करे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, सब बाबा की कृपा है। तो फ्रेंड्स, बस बाबा का नाम लेते जाइए, प्रे करते जाइए, बाबा को सब पता है कब क्या देना है। मैंने देखो ना गाड़ी मांगी ना घर मांगा, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं क्या मांगू, मेरे पास जरिया ही नहीं था, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। पर बिना बिना जरिया के बाबा ने कैसे दिल में डाला, कैसे हो गया, कैसे मेरे को चीज मिल गई, कैसे मैं इतने सुकून में हूँ। अब आप सोचिए, तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस अपनी नियत साफ रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और बाबा का नाम लेते जाइए, सबका भला होगा। बाबा के पास सबके लिए सब कुछ है, बस आपको श्रद्धा और सबूरी रखनी है, बस बाबा पे विश्वास रखिए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। साईगीता चैनल आप जरूर देखिए, बहुत अच्छा चैनल है। मैं जब इनसे मिलती हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी कोई रूह की बहन, किसी कितने जन्मों की मेरी बहन मुझसे मिल गई है। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इनके बढ़ाइए। बहुत सुंदर चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। और बस फ्रेंड्स, ओम साई राम फ्रेंड्स। ना तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो दी की झोली बाबा ने खुशियों से भर दी है, जो वो चाहती थी वो बाबा ने उनको दिया, और उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं था, उससे पहले बाबा ने उनको दिया। तो कुछ साईं भक्तों के लिए कुछ कहेंगे दी? साईं भक्तों, बस बाबा पे फेथ रखिए और बाबा का नाम लेते रहिए। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आप जितना प्यार करते हो ना बाबा से, बाबा उससे हजारों गुना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। आपको अपनी इतनी फिक्र नहीं है जितना बाबा को आपकी फिक्र है। बाबा को पता है कि कब क्या देना है, किस चीज की
सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी। बाबा सब कुछ बहुत प्यार से करते हैं, बाबा के लिए बस प्यार होना चाहिए दिल में, लव बाबा। बाबा को इतना प्यार कीजिए कि बाबा आपने अपने आप को दिया, अपना नाम दिया, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और आप देखिए बाबा कैसे क्या करेंगे आपकी जिंदगी के साथ, बस बाबा के साथ जुड़े रहिए। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कैसी भी परिस्थिति आए, बाबा का दर नहीं छोड़ना, बाबा के श्री चरण नहीं छोड़ने, और बाबा का नाम स्मरण नहीं छोड़ना। बाबा का नाम स्मरण करते रहिए फ्रेंड्स, काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, आटा गूंद रहे हो, साई राम साई राम साई राम का नाम जपते रहिए। देखिए हमारा माइंड है ना कुछ सोचता रहता है, खाली रखोगे तो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, पिछला आगे अभी परेशान होता रहेगा। अगर आप ये माइंड ही बाबा को दे दोगे ना कि मैं इस माइंड को बस साई राम के नाम में जाप में दे दूंगी, तो आपका माइंड भी इधर उधर नहीं जाएगा और नाम जाप भी होता रहेगा। और नाम जाप तो नव विद्या भक्ति का वो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि परमात्मा को पाने का सबसे बड़ा जो रास्ता है वो नाम जाप में भी है। नव विद्या भक्ति में सबसे महत्व दिया गया है नाम जाप को। तो बस आप घर के काम करते रहिए और साई राम के गुण गाते रहिए, और क्या चाहिए आपको, बस सब बाबा देख लेंगे। फिकर बिल्कुल मत करिए, बस ये देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अभी तो मैं कहीं भी नहीं, बस बाबा को जानती नहीं, मैं बाबा की कहानी सच्चरित्र तक मैंने पढ़ी नहीं है, बस एक फोटो को मैंने नमस्कार किया और बाबा ने क्या कर दिया मेरी जिंदगी के साथ। तो बस फ्रेंड्स, ओम साई राम, जय साई राम।